आर प्रेमदासा स्टेडियम पिच रिपोर्ट, पूरा पिच रिपोर्ट देंगे, वेदर रिपोर्ट देंगे, सब कुछ बताएंगे, तो कहीं जाना नहीं, वीडियो को पूरा देखना। देखो आर प्रेमदासा स्टेडियम का पिच रिपोर्ट इसलिए बताने वाला हूं क्योंकि यहां पहला इंडिया, ठीक है, इंडिया वर्सेस श्रीलंका का फर्स्ट ओडीआई मुकाबला खेला जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ओडीआई मुकाबला यहाँ पे खेला जाएगा इंडिया वर्सेस श्रीलंका का, तो इसीलिए पिच रिपोर्ट जानना बहुत जरूरी है। तो चलो सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं इस पिच के बारे में। ठीक है, ये जो पिच है, इस पिच में टोटल कितने ओडीआई मुकाबले खेले गए, टोटल जो मुकाबले खेले गए वो 135 मुकाबले खेले गए। ठीक है, टोटल जो मैच खेला गया यहाँ पे 135 मैच खेला गया, 135 मुकाबला खेला गया, जिसमें से पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में, जो यहाँ जो मुकाबले जीते गए फर्स्ट पारी में बल्लेबाजी करते हुए 79 मुकाबले जीते गए, 135 में 79 मुकाबले जो है वो पहले बल्लेबाजी करते हुए जीती गई है। ठीक है, और सेकेंड पारी में, यानी दूसरी पारी में हम लोग बात करें ठीक है, तो सेकेंड पारी में कितना मुकाबला जीता गया है, 56। यानी एक चीज तो पता चल गया, यहाँ जो टीम ने पहले बल्लेबाजी करी है फर्स्ट में, ठीक है, फर्स्ट में उसने ज्यादा मुकाबले जीते हैं, सेकेंड में कम जीते हैं। अगर कोई भी टीम यहाँ टॉस जीतेगी तो क्या चूज करेगी, पहले गेंदबाजी को चूज करने के लिए जाएगी, गेंदबाजी की तरफ जाएगी। ठीक है, ये चीज हो गया। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग कि फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर क्या है। फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर है यहाँ पे, अगर फर्स्ट इनिंग का हम लोग एवरेज स्कोर के बारे में अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 242। ठीक है, 242 रन फर्स्ट इनिंग की जो एवरेज स्कोर है, और यहाँ पे 300 प्लस रन जो है वो 22 बार 22 टाइम्स जो है 300 प्लस स्कोर हुआ है आर प्रेमदासा स्टेडियम में। ठीक है, तो आगे और चीज आते हैं, और डिटेल बताएंगे, जो डिटेल जान के आप लोग को बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, जो डिटेल जब आप लोग सुनोगे तो बोलोगे यहाँ तो भाई भारत की तो बल्ले बल्ले है, क्यों भारत की बल्ले बल्ले है, चलो आप लोग को बताते हैं। ठीक है, भारत की बल्ले बल्ले क्यों है। देखो यहाँ पे जो हाईएस्ट स्कोर है किस टीम ने बनाया जानते हो, इंडिया ने बनाया है। ठीक है, इंडिया ने हाईएस्ट स्कोर, ठीक है, यहाँ पे चलो आगे हाईएस्ट लिख देता हूँ। ठीक है, हाईएस्ट स्कोर जो है यहाँ पे वो किसने बनाया है, इंडिया ने, कितना बनाया है, 375 रन 5 विकेट के नुकसान पे। ठीक है, 375 रन यहाँ पे भारत ने बनाया है 5 विकेट के नुकसान पे। लोवेस्ट जो यहाँ का है वो श्रीलंका का है, लोवेस्ट जो यहाँ है किसका है, श्रीलंका का। श्रीलंका ने लोवेस्ट यहाँ पे कितना बनाया है, 50 रन ओडीआई में 50 रन 10 विकेट के नुकसान पे वर्सेस किसके, इंडिया के। यानी इंडिया ने यहाँ सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन भी बनाया है और सबसे कम ओडीआई की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ओडीआई की बात हो रही है, इंडिया ने सबसे हाईएस्ट रन भी बनाया, श्रीलंका को सबसे कम रन पे आउट भी किया है। ठीक है, 50 रन यहाँ का लोवेस्ट है और हाईएस्ट है 375 रन जो इंडिया ने बनाया है, और लोएस्ट भी जो बनाया है वो इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मुकाबले में बनाया है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे हाईएस्ट चेज कितना हुआ है, हाईएस्ट चेज यहाँ पे कितना हुआ है, हाईएस्ट चेज जो यहाँ पे है ना, चेज वो हुआ है आपका 292 चेज हुआ है। 292 पे 4 विकेट गिरे थे, ये श्रीलंका ने चेज किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ठीक है, यानी चेज यहाँ पे हाईएस्ट कितना हुआ है, 292 रन। इससे क्या साफ होता है कि अगर यहाँ पे अगर आप 295 या फिर 300 के आसपास पहुंचते हैं तो फिर जो टीम है, जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ लगभग 300 रन बना लेगी, वो मुकाबला जीत जाएगी, उसके जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। अब छोटा से छोटा और डिटेल आप लोग को देते हैं, जिससे अगर आप लोग प्रिडिक्शन करते हो तो उसमें जो है आप लोग को बेनिफिट्स हो। ठीक है, उसमें बेनिफिट्स हो, मेन चीज तो वही होता है ना। अब आते हैं हम लोग इंडिविजुअल स्कोर, यानी एक प्लेयर के द्वारा बनाया गया है हाईएस्ट स्कोर कितना है, इंडिविजुअल स्कोर कितना है 169। ये किसने बनाया था, संगकारा ने। ठीक है, संगकारा ने बनाया था, इंडिविजुअल स्कोर कितना है 169। और विकेट जो है, विकेट किसने ज्यादा लिया है, विकेट जो है वो वानिंदु हसरंगा ने लिया है। इंडिविजुअल अगर विकेट की हम बात करें, ठीक है, अगर इंडिविजुअल विकेट की बात करें तो हसरंगा ने कितने विकेट दिए हैं, 19 रन देकर के 7 विकेट। ठीक है, एक ही मुकाबले में हसरंगा ने लिए थे और हसरंगा स्पिन गेंदबाज हैं, 19 रन देकर के 7 विकेट। यहाँ यानी इससे ये प्रतीत होता है कि स्पिनर को यहाँ ज्यादा विकेट मिलता है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो यहाँ लास्ट मैच जो है, चलो लास्ट मैच के बारे में लोग बात कर लेते हैं, लास्ट मुकाबले के बारे में लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद वेदर रिपोर्ट पे आएंगे। ठीक है, लास्ट मैच जो है, लास्ट मैच यहाँ खेला गया था
जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ, ठीक है, जिसमें से जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे जो है, जिम्बाब्वे ने कितने रन बनाए थे, 96 पे 10 विकेट गिर गए थे, और श्रीलंका 97 रन बना के जीत गया था। श्रीलंका जो है 97 रन 2 विकेट के नुकसान पे जीत गया था, ठीक है। उस मुकाबले में ये जो यहां लास्ट जो मुकाबला खेला गया उसमें से 9 विकेट जो है ना, 9 विकेट यहां पे लास्ट मुकाबले में स्पिन गेंदबाज ने लिया है। 9 विकेट किसने लिया, स्पिन गेंदबाज ने लिया है यहां पे लास्ट मुकाबले में। अब आते हैं हम लोग, ये डिटेल हो गया। अब चीज आते हैं कि ये जो पिच है, ये गेंदबाजी पिच है, बल्लेबाजी पिच है। देखो एवरेज स्कोर जो यहां पे वो 292 का है, तो देखो ये तो बल्लेबाजी पिच हो गया भाई, क्योंकि 300 के आसपास अगर है तो बल्लेबाज तो रन करेंगे ही करेंगे, ये हो गया। लेकिन नहीं, ये जो पिच है ये बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों पिच है, ये संतुलित पिच है। यहाँ पे रन भी बनते हैं, विकेट भी गिरते हैं। आप लोगों ने देखा कि हसरंगा किस प्रकार से विकेट लिया है। यहाँ पे ज्यादा मदद किसको मिलता है, स्पिन को मिलता है कि तेज को मिलता है। देखो किसी किसी मुकाबले में जो स्पिन गेंदबाज है वो कमाल कर जाते हैं, किसी किसी मुकाबले जिसमें 50 रन में ऑल आउट किया था श्रीलंका को, उसमें तेज गेंदबाजी ने कमाल करा था। जिसमें श्रीलंका ने 96 रन पे आउट किया था जिम्बाब्वे को, उसमें स्पिन गेंदबाज ने कमाल करा था। तो इसमें आप लोग 50-50 कह सकते हैं, स्पिन को भी 50% और फास्ट जो है फास्ट को भी 50% यहाँ पे विकेट मिलता है इस पिच पे। अब आते हैं वेदर रिपोर्ट पे, हम लोग आते हैं वेदर रिपोर्ट पे, क्योंकि मेन चीज तो वही है भाई, हम लोग कुछ भी पिच रिपोर्ट जान लें और मौसम ठीक नहीं रहेगा तो फिर क्या फायदा, ठीक है। तो वेदर रिपोर्ट पे अगर हम लोग आते हैं तो देखो यहाँ पे जो नमी है, नमी की जो चांसेस है वो 82% है, ठीक है, 82%। और बारिश की जो संभावना है, वो ऐसे तो 70% दिखा रहा है, लेकिन जिस दिन मुकाबला है उस दिन मुकाबला अगर हम लोग 1 बजे से या फिर 2 बजे से, 2 बजे से रात 8 बजे तक की अगर बात करें ना, 2 बजे से रात 8 बजे तक की अगर हम लोग बात करें तो 85% चांस है, 85% चांस है कि बरसात होगी। यानी मुकाबला जो है वो रद्द भी हो सकता है, और मान लो अगर मौसम चेंज हुआ है, अभी देखो अभी के हिसाब से तो ये वेदर रिपोर्ट है, मान लो अगर मौसम चेंज हुआ तो ओवर घट सकते हैं, ठीक है, ओवर घट सकते हैं, या फिर बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई तो शायद पूरा हो सकता है, लेकिन चांसेस तो ओवरऑल अगर बात करें तो 70% जो चांस है बारिश की, जो संभावना है वो 70% है। पहला ओडीआई मुकाबला जो वो रद्द भी हो सकता है, क्योंकि 70% जो है वो बारिश का संभावना है, ठीक है। और वहां पे जो है रोहित शर्मा पहुंच गए हैं, रोहित शर्मा इंडिया के कप्तान है, और जो है उधर असलंका कप्तान है, ठीक है, चारिता असलंका, ठीक है, असलंका जो है ये कैप्टन है, असलंका आपके श्रीलंका के, और रोहित शर्मा जो है ये इंडिया के कैप्टन है। साथ में विराट कोहली भी शामिल किए गए हैं, सूर्यकुमार यादव को रेस्ट दिया गया है टीम इंडिया की तरफ से, और साथ में ऋषभ पंत आपको नजर आएंगे, जडेजा को भी रेस्ट दिया गया है, अक्षर पटेल नजर आएंगे, विराट कोहली, शुभमन गिल, रियान पराग भी नजर आएंगे आपको, और साथ में जो है काफी सारे प्लेयर जैसे शिवम दुबे को भी लिया गया है, तो शिवम दुबे भी आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो ये था पिच रिपोर्ट, ये पिच रिपोर्ट कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो को।